मैं संजय कुमार स्वामी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। फोटोशॉप टिप्स के अंदर आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम पसीने को, स्वेट को या चिकनाई को फेस के ऊपर आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है, उसको उठा सकते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमारे पास में फोटोशॉप सीसी 2015 है, फोटो है हमारे पास में। इस फोटो के ऊपर देखिए, यहाँ पर चिकनाई है, खूब सारी ऑयल स्किन है, तो इस ऑयल को यहाँ से हम रिमूव करना चाहते हैं। इसके अंदर थोड़ा कम हो सकता है, कई फोटो के अंदर इससे भी ज़्यादा शाइनिंग जगह जगह फोटो के अंदर आ जाती है। तो उसको आसानी से फोटोशॉप के अंदर हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, एक छोटा सा हिंट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे इस शाइनिंग को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए ब्रश टूल का यूज लेंगे, टूल बार के अंदर यहाँ पे ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे ऊपर ब्लेंडिंग मोड जो है उसको यहाँ पे डार्कन करेंगे, डार्कन सेलेक्ट करेंगे। डार्कन सेलेक्ट करने के बाद में ओपेसिटी यहाँ से 100% आपको मिलेगी, फॉलो 100% मिलेगा, आपको इसको कम करना है। 100% अगर ओपेसिटी के अंदर हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो कुछ इस तरह कलर आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी एक तो कम करेंगे और दूसरा अल्ट के साथ में बाहर की साइड से जहाँ पे ये स्किन टोन है उसको इस तरह से सिलेक्ट करते जाएंगे। और जो सिलेक्ट करेंगे स्किन टोन, ये देखिए जूम करने से पिक्सल दिखाई दे रहे हैं, हर एक पिक्सल के अंदर अलग अलग टोन है। एक पिक्सल का ही टोन अगर हमने सेलेक्ट करके फिल कर दिया यहाँ पे तो जो होगा वो अभी मैंने आपको बताया था। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अलग अलग सिलेक्शन करें और ओपेसिटी कम करके इस तरह से अंदर की साइड में थोड़ा थोड़ा शाइनिंग है उसको आते जाएं। इससे क्या होगा, जैसी बाहर की साइड में स्किन टोन है ठीक वैसी यहाँ पर आ जाएगी और शाइनिंग बिल्कुल भी नहीं रहेगी। कहीं पे पिक्सल के अंदर डार्क टोन है, कहीं पे पिक्सल के अंदर लाइट टोन है, वो सभी का मिश्रण जो है वो इस फोटो के अंदर यहाँ पर इस तरह से, तो ये देखिए इस तरह से हम शाइनिंग यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद में देखिए और भी इसके अंदर कई जगह पे है, कई जगह पे शाइनिंग जो होती है वो पूरी तरह से हमें रिमूव नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई जगह शाइनिंग स्किन अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम शाइनिंग रिमूव कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ नाक के ऊपर तो हम बिल्कुल हाथ भी नहीं लगा सकते, ये अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिमूव कर देते हैं। तो ये डिफरेंस आप इस फोटो के अंदर देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पे स्वेट रिमूव कर दिया है। बहुत ही सिंपल और आसान है, आप इसको ट्राई करके देख सकते हैं। फोटोशॉप टिप्स के अंदर आज बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ गूगल प्लस और फेसबुक जैसी सोशल साइट्स के ऊपर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी फोटोशॉप सीख पाएंगे। थैंक यू।